भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने सोमवार यानी 27 सितंबर को अखनूर में एक संदिग्ध बैग बरामद किया। जांच के दौरान बैग से 4 पिस्टल, 100 कारतूस, 8 मैगजीन, 1 किलो हेरोइन और 2.25 लाख रुपए के नकली भारतीय रुपए बरामद हुए हैं। बीएसएफ पीआरओ ने कहा कि एक विशिष्ट इनपुट पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जब तलाशी का अभियान चलाया गया तो तलाशी के दौरान मोटी सरकंडा घास में छिपा एक बैग मिला, जिससे हथियार, गोला बारूद, हीरोइन और नकली भारतीय मुद्रा का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को जम्मू में एक आतंकी गिरफ्तार भी किया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। उसको जम्मू में किसी व्यक्ति को सिलेक्टिव किलिंग का टारगेट दिया गया था। इतना ही नहीं, आतंकी जम्मू रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कहीं जाने की फिराक में था। अब उसे ट्रेन पकड़कर कहां जाना था, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन आतंकी के दिल्ली जाने की आशंका भी थी। इसके साथ एक सवाल ये भी है कि यदि उसे किसी व्यक्ति को मारने का टारगेट दिया गया था तो वो दिल्ली जाकर किसको मारना चाहता था। इसे लेकर भी आतंकी से गहन पूछताछ की जा रही है।